कुल पांच तत्व होते हैं, जिनमें से अकेले जल में चार तत्व हैं। भोलेनाथ पे जो आप जल चढ़ाते हो, जलाभिषेक करते हो, कहते हैं वो तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक लोटा जल में आधी से ज्यादा प्रकृति समाई हुई है। व्यवस्था इस तरह से कुछ है कि पहले कहा गया कि आकाश तत्व है, जो पांच तत्व हैं उनमें से एक तत्व आकाश, आकाश से वायु तत्व जो दूसरा तत्व, आकाश आकाश से वायु, आकाश आपके हाथ में ये बीच की जो उंगली है मिडिल फिंगर, इसको ये इसका प्रतिनिधि है, बीच वाली उंगली, बड़ी वाली उंगली, बड़ी वाली ये वायु, बगल में इसके वायु, तो आकाश तत्व से वायु तत्व और आकाश वायु से मिलके अग्नि तत्व, अग्नि अंगूठा इसका प्रतिनिधित्व अंगूठा करता है, और अग्नि वायु और आकाश इन तीन से मिलके जल तत्व है, जल बनता है। और ये चारों जो है से पृथ्वी, तो पांचों तत्व हो गए, लेकिन चार तत्व जल तक पहुंचे तो चार तत्व हैं। अभी विज्ञान कहता है कि दो तत्व हैं जल में, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, जल में दो तत्व हैं। कौन कौन से बोले, अग्नि और वायु, हाइड्रोजन दो भाग और एक भाग ऑक्सीजन, H2O बोले दो भाग है, उधर का पंखा चलवा दो, वो पंखा चलवाओ, तो चार तत्व तो कैसे हैं। अभी विज्ञान के जो छात्र रहे होंगे आप लोग, आपको लगता होगा चार तत्व तो कहां से आ गए, आपने दो ही पढ़े, आपने दो ही पढ़े, तो चार तत्व तो कहां से आ गए। आपने पढ़ा है H2O, जो हीलियम, जो जिसको आप हाइड्रोजन कहते हो, दो भाग हाइड्रोजन यानी अग्नि और एक भाग ऑक्सीजन मतलब एक भाग वायु, अग्नि और वायु से जल बन गया। तो चार तत्व कैसे हैं, पांच तत्व कुल होते हैं, तो H2O दो तो विज्ञान मान ही रहा है, और जल हो गया तीन, जल भी तो हो गया, जल भी एक तत्व है और दो तत्व ऑलरेडी उसमें है, जो अब आपको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, ना आग दिख रही उसमें और ना आपको उसमें ऑक्सीजन दिख रही है, अब आपको जल दिख रहा है। तो दो तत्व हो गए ऑक्सीजन यानी वायु और अग्नि, और तीसरा हो गया जल, वो भी आपको दिख रहा है, तो तीन तत्व तो यही हो गए, वो कहते हैं दो हैं, तो फिर जल क्या है, ये तो तीसरा तत्व हो गया, और चौथा तत्व इसमें कौन सा है, आकाश, जो इन सबको जोड़ के रखता है, उसका काम है सबको जोड़ के रखना। अगर आकाश तत्व नहीं होगा तो
तो अग्नि वायु और मिलेंगे नहीं, जल बनेगा नहीं, तो आकाश तत्व के बिना उसका सृजन नहीं होगा, जल नहीं बनेगा। तो चार तत्व तो हो गए, एक पृथ्वी बचता है शिवलिंग, जल उस पर चढ़ाते हो तो पृथ्वी तत्व है शिवलिंग, पांच तत्व हो गए पूरे, पूजा हो गई आपकी, पांचों तत्व की आपने पूजा कर ली, इन्हीं पांच तत्व से आपका शरीर बना है, यही पांच तत्व हैं। तो कहते हैं भोलेनाथ उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो जल में सब कुछ है, इसलिए आपको भोलेनाथ की पूजा में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। कहीं से एक लोटा जल उठाया, बढ़िया कुएं से निकाला या हैंडपम्प से निकाला कहीं से भी, और चढ़ा दिया भोलेनाथ को, हरिहर हो गया। तो आपने चार तत्व चढ़ाए, पांचवें तत्व पूरा हो गया, शिव जी प्रसन्न रहते हैं।